अध्याय so, uh, नौ जो लोग नया जन्म पाए से जन्म हुआ है वो पाप नहीं करते so, we, Spirit, और यदि परमेश्वर ने हमें आत्मा से आशीष किया है पवित्र आत्मा हमें नया जन्म दिया है

हे मनुष्य के संतान मैंने आ, मिस्र के राजा फिर की सॉरी सॉरी ऐसा हमें जाएंगे हाँ, ऐसा है यस के अध्याय में इक्कीस और जब, जब जब कभी तुम दाहिनी या बाई ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा परे, मार गई है इसी पर चलो यस होली स्पिरिट विल गाइड यू लाइक दिस और पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा कि आप इस मार्ग में चलते रहें। When you tempted by sin, definitely warn you. हाँ अगर आप पाप से प्रलोभन हो रहे हैं तो सच में कुछ गलत हो रहा है सो एवरीथिंग फॉर एग्जाम्पल इवेंट टू पार्टिसिपेट इन दिलिब्रेशन ऑफ्टी एन एनिवर्सरी ऑफ आई एम डी और कल जो है एनिवर्सरी मनाने गया था जूम so, मीटिंग uh, uh, उसकी वजह से मैं जो है कल की जो सभा उसमें ज्वाइन नहीं हो पाया so that, uh,

आई एम वेरी सॉरी गॉड और मैंने खेद हुआ कि प्रभु मुझे क्षमा करिए आई डिट नॉट डू यूर विल और मैंने आपकी इच्छा को नहीं किया दैट इज सीन होली स्प्रिट कन्विक्टेड मी क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर से मुझे बहुत ही uh, बोल रहा था कि तुम इन्हें सही नहीं किया आई लास्ट द होल डेज रिफ्रेशमेंट और पूरे जो है पूरा ऐसा ही जो पूरा दिन था आई फील वेरी सॉरी एंड सैड और मुझे अंदर से बहुत ही खेद हो रहा था if we uh, hear the spirit what spirit saying i did not go yesterday और अगर हम मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता तो मैं वहाँ पे नहीं जाता। Every every part of life, Holy Spirit is uh, guiding my dear brothers. जीवन के हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा हमें आगुवाई करता है भाई बहन। So you may think that uh, that is not sin. और हम सोचते हैं कि नहीं नहीं आई तो पाप नहीं है बट आई ऑफ गॉड लेकिन जो है परमेश्वर की उपस्थिति और जो शांति है वो खो, खो गया यू सी परमेश्वर से दूर रहेंगे तो आपके ऐसे ही पापों में फंस जाएंगे सो आई एंकरेज माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की फेलोशिप क्लोज

और जैसे हमने सुना जब पवित्र आत्मा हम पे आएगा तो हम सामर्थ पाएंगे यू विल नॉट फियर और आपको डर नहीं होगा यू कैन स्टैंड एनी और आप कहीं भी आप यू कैन बी विटनेस खड़ा हो सकते आप प्रभु के लिए गवाही हो सकते हैं that, that is the secret, my dear brothers. और से ये से तो रहस्यमय बात है भाई Finally, Isaiah chapter twenty-six verse three. अंत में हम कहेंगे ऐसा क्या दिया तो है छब्बीस में ऐसा है ट्वेंटी सिक्स थ्री You you, you. will keep him in in perfect peace, whose mind is stayed on you because he 26:3 26 3 जिसका मन तुझ में धीरे धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है और इसलिए हमें प्रभु पे विश्वास रखना है पवित्र आत्मा से चलना है और प्रभु का भय मानना है और परमेश्वर हमें जो है शांति और खुशी है जो है हमें आशीष करेगा आमीन